थैंक यू। हेलो, एक मिनट मैडम। अरे अरे चलिए आगे। वेट वेट, yeah, we know it's a big achievement and I really want to congratulate him from the bottom of my heart कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये सब मैं आपको मतलब मैं इतने उनको बहुत पहले से जानती हूँ तो ये सारा उनका हार्ड वर्क है जो उनको यहाँ तक लाया है। सो हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मे गॉड ब्लेस यू और तुमको और ज़्यादा सक्सेस मिले और जैसे तुम अभी बढ़ रहे हो अभी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही अपना हार्डवर्क रखना आगे भी। और इसके साथ साथ सक्सेस के साथ साथ एक होता है कि इंसान में इंसानियत होती है, वो भी है उसमें, जो कि वो मतलब उसके भी उससे भी वो फेमस है बिकॉज ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और हाँ बस थैंक यू। हाँ क्योंकि क्योंकि भी एक बहुत अच्छी टीम है जिसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है फैसू को एंड अदर्स को भी जो मतलब अभी न्यू कमर्स है और जो बहुत सारा मेहनत करते हैं, जो यहाँ तक आगे तक आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि भी और क्योंकि एक अच्छी टीम है जो उनका और ज़्यादा उनको सपोर्ट करती है और लेकर जाती है आगे ये सब कराने में। और इनको अगर सक्सेस मिला है तो एक क्योंकि है जो उनको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए तभी वो ये आज लेवल पर है। वेलकम। राइट लेफ्ट कर लो पहले आप लोग बता दो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर फैजू बिकॉज यू नो अ सिंपल गाय जो इतना यू नो इतनी कम उम्र में और इतने कम वक्त में इतने लोगों का दिल जीत लिया है, सच अ ब्यूटिफुल थिंग। और यू नो एक होता है कि यू नो सम पीपल हैव लक, सम पीपल हैव उनकी किस्मत अच्छी होती है, बट फैजू को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत मेहनती भी है और बहुत टैलेंटेड भी है। तो सिर्फ मैं ये सिर्फ कहूँगा कि सिर्फ लक से कुछ, सिर्फ नसीब से कुछ, यू नो नसीब अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है बट उसके अलावा टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जी मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आप नहीं जानते होगी लेकिन एक बहुत ही नामचीन और बहुत ही कमाल का सिंगर है, म्यूजिशियन है जिसका नाम है जेकब कोलियर। मैं उसके अपडेट्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा कमाल का कंटेंट डालता है। पर उसके अलावा ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके भी अपडेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी हैप्पी फैजू ने 10 मिलियन अचीव किया ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ नॉट वेरी ईजी, बहुत मेहनत लगती है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ उससे और तरक्की करें माशाल्लाह से, ऐसे ही और ग्रो होता रहे। क्योंकि इज़ वेरी क्लोज टू मी एज वेल एज फैजू और क्योंकि की टीम इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उन्होंने बहुत मेहनत करी सबके ऊपर, तो जितने लोग क्योंकि से अटैच हैं इंशाल्लाह ग्रो करेंगे ऐसे ही। थैंक यू।
See, first of all, Faizu is an idol for everyone, for each and every social media platform influencer. So he's a guy who has never, you know, usne kabhi give up nahi ki apne life mein, be it any ups and downs. So we wish him all the best for all his future success. बस आगे यही विश है कि वो और 10 मिलियन नहीं 20-30 मिलियन एंड वी विश के वो इंडिया के टॉप मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो. मैं विश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हर प्लेटफॉर्म में ऊपर आए. यस, क्योंकि इज़ अ वेरी सपोर्टिव, यू कैन से इट्स अ बैकबोन टू इन्फ्लुएंसर्स, टू टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स से लेके ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर्स भी क्योंकि सपोर्ट करता है काफ़ी. सो थैंक्स टू क्योंकि ऑल्सो, थैंक यू सो मच. तो बहुत खुश हूँ. 9.9 हो गए थे, फिर थोड़ा स्लो हो गया था. कुछ थोड़ा ज़्यादा दिन ले लेते 10 मिलियन होने में, मगर बहुत खुश हूँ मैं. 10 मिलियन बहुत, कल 11 हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और जो स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा, तो उसमें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत स्ट्रगल था. कुछ 3-3.5 साल हो गए, मतलब रात भर कंटेंट निकाल के दिन भर कंटेंट बनाना. कंटिन्यू 3 साल तक का प्रोसेस था ये. और ये सब कुछ हो पाता था मगर क्योंकि डिजिटल मीडिया, समीर सर ने बहुत हेल्प की हम लोगों की. और एक जो पोजीशनिंग थी हम लोगों की, वो बहुत अच्छा मेंटेन किया सर ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कि 10 मिलियन हो गए और कुछ अच्छी पोजीशनिंग में हो गए. बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं अभी भी मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब कैसे होगा 10 मिलियन, क्योंकि यकीन नहीं होता है कभी कभी मतलब कि मैं इतना आगे तक आ सकता हूँ. बस आप लोग के, फैंस लोग के प्यार से और सपोर्ट से, क्योंकि उन्हें हमारी यूनिटी, हमारे कॉन्टेंट, जो क्लीन कॉन्टेंट होते हैं, जो हम लोगों की इतनी बात होती है, वो उनको बहुत पसंद है. तो जर्नी तो बहुत स्ट्रगल वाली थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. Firstly, thanks so much for Salim for making it, because he always, you know, he shows up at you know, at times like this. It's important, you know, it doesn't matter how big or small an event is, but he shows up. So thanks for that, appreciate it. And I was supposed to invite him, but Faizu DM'd him on Insta directly, so I said he beat me to it. So that's a good thing. बहुत अच्छा लग रहा है. ये एक बहुत बड़ा milestone है. इंस्टाग्राम पे 1 करोड़ फॉलोअर्स कोई छोटी बात नहीं होती है. ईच प्लेटफॉर्म पे अलग बिहेवियर्स होते हैं, फैन फॉलोइंग होती है. आई थिंक अलग इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ, ना कि सिर्फ 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो इंगेजमेंट ये 1 करोड़ पे जो आ रही है फैजू की, कुछ दिन पहले हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स रिलीज़ किए थे ऑन माई हैंडल अबाउट इंगेजमेंट यहाँ पे. और हम यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिजिटल सुपरस्टार्स हैं उनकी क्या इस डेट में क्लाउड हो चुकी है. तो फैजू के लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पे 70 लाख कमेंट्स आए हैं, 70 लाख से भी ऊँचे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम की कमेंट्स. ठीक है, अगर आप विराट कोहली, सलमान खान और रणवीर सिंह, सो वी टुक रणवीर सिंह, सलमान खान एंड विराट कोहली, उनकी जो कंबाइंड कमेंट्स थे वो कुछ 60 लाख थे. तो मतलब 3 बॉलीवुड सुपरस्टार्स के कंबाइंड कमेंट कुछ 10 लाख कम थे फैजू के. तो ये एक और ये किसी को नहीं लगता यहाँ पे कि फैजू उनसे बड़ा है, इसको नहीं लगता, ना ही हमें लगता है. ऑब्वियसली दे आर फार फार बिगर सुपरस्टार्स, बट जहाँ पे इंगेजमेंट रही या लोगों का जो दिल है, वो क्लियरली फैजू एंड अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, टीम 07 एंड अदर यंग टैलेंट आर विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल. आई थिंक फैजू की जो ये हमेशा यू विल सी कि जब आप लोगों से बात करते हैं फैजू, ये एक वर्ड हमेशा निकलता है कि क्लीन कॉन्टेंट. तो इफ़ यू आस्क एनी ऑफ हिज फीमेल फैंस, दे विल ऑलवेज से फैजू इज अ नाइस गाय. दिस नाइस गाय इमेज
कि फैज़ द स्ट्रीट का नाइस का फैमिली कंटेंट, कि हमेशा कहता है कि मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जो मेरी बहन और यू नो मम्मी कैन सी द कंटेंट एट होम एंड नॉट फील अ लिटिल वियर्ड आउट बाय इट. आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग पीपल. एंड व्हेन यू आर आई थिंक व्हेन यू आर अ नाइस गाय पीपल सपोर्ट यू इन योर सक्सेस. व्हेन यू आर एन एरोगेंट पर्सन दे वांट टू सी यू फॉल. एंड सो नेचुरली आई थिंक इट्स अ स्मार्ट वे टू पोजीशन योरसेल्फ आल्सो. अभी ऐसा हो गया कि मतलब लोग इतना पसंद करने लगे कि हम लोगों के साथ अगर कोई हादसा भी होता है कुछ होता है ना तो पहले हमारी इंगेजमेंट पे फ़र्क गिरता है, तो वो पहले हाई हो जाती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इंगेजमेंट. और मतलब उस वक्त जो मतलब बीच में बहुत कुछ हुआ था तो उस वक्त भी मेरे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे. तो मेरी प्रोफाइल विजिट कुछ 1,40,00,000 थी, जो कि मुझे नहीं लगता अभी तक किसी की हुई इतनी. तो अच्छा लगता है कि कुछ होता है तो मगर अभी तो कुछ नहीं हो रहा. मीम्स की बात है तो मेरा सबसे पहला जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था वो मेरे ट्रोल पे ही हुआ था. तो मैंने एक वाइट कलर की जीन्स पहना था जिसमें ब्लैक कलर की एक जिप थी और मैं डांस कर रहा था, तो लोगों को लगा मेरी जिप खुली है तो मेरा बहुत ट्रोल हुआ मगर मेरी इंगेजमेंट बहुत हाई हो गई. और फिर लोग तो है, जब सामने वाला क्लियर है और साफ है तो फिर लोग पसंद करेंगे. जब ऊपर जाता है ना तो दोनों चीज़ें मायने रखती है, मेहनत और किस्मत और टैलेंट, खासकर टैलेंट. तो टैलेंट ऐसी चीज़ है कि वो आप ले नहीं सकते कोई चीज़ से, कोई इंसान से वो निकाल नहीं सकते. बहुत लोग सोचते कि अरे हाँ यार ये तो बहुत यू नो बहुत खुश नसीब है, बहुत ही ज़्यादा इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है इंडस्ट्री में, वो सब तो है पर टैलेंट के बिना आप टिक नहीं पाओगे. तो यू नो मैंने इसके वीडियोज़ देखे हैं फैज़ू के और बहुत ही जैसे क्लीन कंटेंट तो कहते ही है बट बहुत ही कमाल का एंगेजमेंट वाले जो होते हैं, जो लोगों को पसंद आए उसके लिए एक स्पेशल टैलेंट हर इंसान में वो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर उसको आगे जाना है. तो मैंने ऑफ कोर्स ये कह दिया कैमरा में बट थैंक यू, इनके सामने कहना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच सर. केक, बेस्ट पार्ट इज नाउ. Happy 10 million to you. Happy 10 million to you. Happy 10 million, dear Fezu. Happy 10 million to you. Woo! Woo! I wrote it. Thank you all for coming. Thank you so much. आज तो यार इतनी खुशी का दिन है, भाई के 10 मिलियन हो गए, फर्स्ट इन्फ्लुएंसर है मतलब लाइक हम लोग के इसमें, तो बहुत खुशी की बात है. तो बहुत मस्ती करने वाले डांस करेंगे. मैं तो चाहता हूँ 10 की जगह पे और 100 हो जाए जल्दी से इंशाल्लाह, क्योंकि भाई उतनी मेहनत करते हैं
और साथ साथ उनके साथ साथ हमको भी प्यार दो तो हमारे भी हो जाए, और इंशाल्लाह करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे और भाई भी इतनी मेहनत करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं भाई को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आगे बढ़े और इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करिए। वेलकम। टेन मिलियन बहुत ही खुशी होती है और बहुत सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो डिज़र्व करता है वो, और 10 मिलियन तो अभी शुरुआत है इंशाल्लाह, और भी बहुत आगे जाएगा। अभी तो फ़िलहाल तो अभी सोशल मीडिया में खाली इंस्टाग्राम पे अपडेटेड है, इंस्टाग्राम पे भी डेली पोस्ट करना और क्रिएटिविटी दिखाना, अभी तो कंटेंट कम पोस्ट करते हैं पर कंटेंट के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज देना, और जिस चीज़ को वो फैसल बहुत अच्छे से करता है सोशल मीडिया को अपडेट, वही वजह से उसकी रीच आज सबसे ज़्यादा मेल इन्फ्लुएंसर में हम लोग के ग्रुप का जो 10 मिलियन फॉलोअर्स उसके हो गए इंस्टाग्राम। ये नंबर जब डिजिट स्टार्ट हुए थे, जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तब सब कॉलेज में थे हम लोग, ये जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थे, हम लोग बाइक पे स्टंट्स वगैरह करते थे, फिर धीरे धीरे टाइम पास के लिए वीडियोस बनाते थे, वीडियोस बनाते बनाते फिर एक म्यूज़िक वीडियो बनाए तेरे ऐसा यार का, तो वो वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद रेगुलर अपडेट होने लगे और लोगों का प्यार मिलने लगा। थैंक यू।